पहुंचता है, उसका इवेंचुअल इंपैक्ट कैसा रहेगा डोमेस्टिक मार्केट्स पर, वो आगे समझने की रहेगी कोशिश। एशियाई बाजार मिला जुला ट्रेड आप देख पाएंगे। एसडीएक्स निफ्टी करीब 66 अंकों की बिकवाली, 17,450 के ही करीब इस वक्त ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो इंडिकेशन एशियन मार्केट से हम देख रहे हैं थोड़े से कॉन्शियस जरूर नजर आ रहे हैं। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे जापान और कोरिया में तेजी नजर आ रही है, लेकिन हांगकांग के बाजार जो कि अगेन एक इंडिकेटर है एसडीएक्स निफ्टी की ही तरह, वहां पर भी करीब 1% की कमजोरी नजर आ रही। तो हांगकांग के बाजार में कमजोरी है, एसडीएक्स निफ्टी में इस वक्त बिकवाली का दबाव है, इसके चलते मिले जुले सेंटिमेंट्स कहेंगे। अब देखना ये होगा कि हांगकांग के बाजार यहां से संभलते हैं और एसडीएक्स निफ्टी में भी ये जो बिकवाली है वो खरीदारी की तरफ बदलती है नहीं। अच्छा, बीती रात अमेरिकी बाजारों में दिन भर वॉलिटिलिटी, उतार चढ़ाव का ट्रेंड देखने को मिला, और जब क्लोज हुए तो निचले स्तरों से सपाट क्लोजिंग यानी कि फ्लैट क्लोजिंग देखने को मिली, चाहे नैसडैक हो, S&P हो या फिर डाउ हो। यहाँ पर हमने देखा कि दिन भर वॉलिटिलिटी उतार चढ़ाव देखने के बाद गिरावट के साथ ऑलमोस्ट 0.5% के डाउन ट्रेंड्स के साथ इनफैक्ट नैसडैक और S&P में तो क्लोजिंग देखने को मिली। डाउ ने ऑफकोर्स संभलने की कोशिश की और हर एक निशान में क्लोजिंग जरूर दिखाई, लेकिन दिन भर में हमने देखा कि जो सेंटिमेंट्स थे वो डाउन साइड पर नजर आ रहे थे। अब इस डाउन साइड या बिकवाली का दबाव या गिरावट के पीछे की वजह क्या रही, विदेशी बाजार में और क्या कुछ है खास, कौन से इंडिकेटर्स है जिस पर आपको रखनी है नजर, ये हमें पूजा बता रही है। पूजा, गुड मॉर्निंग, बताएं विदेशी बाजार के संकेत आज कैसे कहे जाएंगे? जी, गुड मॉर्निंग मानसी, आज भी कॉशियस ही दिखाई दे रहे हैं विदेशी बाजार से जो संकेत निकल कर आ रहे हैं। एसडीएक्स निफ्टी यहाँ पर लाल निशान में कारोबार कर रहा है। ओवरऑल एशियाई बाजारों की शुरुआत मिली जुली हुई है, और विदेशी बाजारों, कल हमने अमेरिकी बाजारों में भी देखा कि जो ब्याज दर में बढ़त का डर था वो कहीं ना कहीं अभी भी कायम है, और उसी का रिएक्शन हमने देखा दिन भर अमेरिकी बाजारों में दिखा। हालांकि डाउ जोन्स में दिन भर के उतार चढ़ाव के बाद निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी जरूर हुई। उसकी वजह ये थी कि वहां पे जो नतीजे आ रहे थे, सेल्सफोर्स के मजबूत नतीजे आए, 12% तक की तेजी वहां पर देखने को मिली, जिसके चलते डाउ जोन्स में एक अच्छी तेजी देखने को मिली। इसके अलावा कुछ और भी कंपनियों के नतीजे आए हैं जिससे डाउ जोन्स में एक तेजी आई है, लेकिन ओवरऑल मूड और माहौल खराब ही था अमेरिकी बाजारों का। नैसडैक और S&P 500 में भी करीब 0.5% की गिरावट देखने को मिली, और इसके अलावा US 10-year ट्रेजरी यील्ड्स जो थे वो कल 4% के पास पहुंच चुके थे, 4% का स्तर छू लिया था। नवंबर के बाद ये लेवल्स देखने को मिले, तो उसका भी एक इम्पैक्ट कल बाजारों में नजर आया, और जिससे कहीं ना कहीं अब डर बना हुआ है कि ब्याज दरों में जो बढ़त का दौर है वो अब काफ़ी लंबे समय तक जारी रह सकता है। इसके अलावा यूरोप के बाजारों का भी मूड खराब ही था, यहाँ पर भी हमने देखा कि कमजोरी ही देखने को मिली एक के बाद एक, वहाँ से जिस तरह से महंगाई के आंकड़े आ रहे हैं, बढ़त देखने को मिल रही है, और उसका इम्पैक्ट कल हमने यूरोप के बाजार में भी देखा। अन्य संकेतों पर नजर डालें तो बॉन्ड यील्ड्स, जैसा कि हमने बताया US में ट्रेजरी यील्ड्स अब 4% के पास पहुंच चुकी है, लेकिन उसके अलावा चाइना में भी हम देख रहे हैं कि डिमांड में सुधार होने की बात की जा रही है। वहां पर मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी के जो आंकड़े आए थे वो भी काफ़ी एनकरेजिंग थे, जिसके चलते हमने डॉलर में वीकनेस देखी, और जो डॉलर में वीकनेस आई उसके वजह से सोने में कल हमने तेजी देखी और एक हफ्ते के ऊपरी स्तर पर सोने ने क्लोजिंग दी है। इसके अलावा कच्चे तेल की ही बात करें तो चीन में जिस तरह से मांग में रिकवरी देखने को मिल रही है, कच्चे तेल में तेजी जारी है, और कल भी 1% के उछाल के साथ यहाँ पर क्लोजिंग देखने को मिली। तो यहाँ पर वो जो ब्याज दरों में बढ़त का डर है वो कहीं ना कहीं कमोडिटीज में कम हो रहा है, क्योंकि चाइना से जो नंबर्स आ रहे हैं वो इसको ऑफसेट कर रहे हैं, लेकिन बॉन्ड यील्ड्स में जो असर दिखा, 4% का ये जो स्तर हमने देखा, उसका असर कल ग्लोबल मार्केट में भी देखने को मिला, और कमजोरी के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखाई दिया। पूजा, शुक्रिया विदेशी बाजार के संकेत हमें बताने के लिए। तो बीती रात हमने देखा अमेरिकी बाजार में उतार चढ़ाव, बिकवाली का दबाव तो नजर आया। कल दोपहर यूरोपीय बाजार में भी हमने देखा, इनफैक्ट जब क्लोजिंग हुई तो वहाँ पर भी गिरावट हावी होती रही, डैक्स हो चाहे फुटसी या कैक, और उसके अलावा इस वक्त एशियाई बाजार में भी एसडीएक्स निफ्टी और हांगकांग की तरफ से जो डाउन ट्रेंड्स नजर आ रहे हैं, तो सेंटिमेंट्स कॉशियस है ही। और ये कॉशियसनेस क्यों आ रही है, क्योंकि ब्याज दरों में लंबे समय तक बढ़त जारी रहने के संकेत हैं। इन्हीं संकेतों से अक्रॉस द ग्लोब, चाहे फिर वो कोई भी मार्केट्स हो या कमोडिटी मार्केट्स हो, चाहे फिर बॉन्ड्स की चाल
हो, इन तमाम चीजों पर इसका एक असर पड़ता हुआ दिख रहा है। चलिए सेंटिमेंट्स आगे कैसे होंगे इस पर तो नजर रहेगी, लेकिन भारतीय बाजार के लिए कल सेंटिमेंट काफी अच्छे थे। आइए पहले संस्थागत निवेशकों ने कल क्या किया वो आपको बताते हैं, उसके बाद भारतीय बाजार पर आज आपको क्या रणनीति अपनानी चाहिए वो देखेंगे। FIIs की बिकवाली तो है, क्वांटम भले ही यहाँ पर छोटा हो, आंकड़ा एक छोटा आया है 424 करोड़ का कैश मार्केट में बिकवाली का, लेकिन आपको ध्यान होगा कि कल जब FIIs DIIs का ट्रेंड हम बता रहे थे, हम आपको ये भी कह रहे थे कि फरवरी का सबसे बड़ा बिकवाली का आंकड़ा कैश मार्केट में FIIs ने दिखाया। बिकवाली का ट्रेंड यहाँ भी जारी है अभी भी, भले ही 424 क्रोर्स की, लेकिन कैश मार्केट में बिकवाली नजर आ रही है। DIIs की तरफ से साथ है 1498 करोड़ की खरीददारी यहाँ पर देखने को मिलेगी। वायदा बाजार में हम देख रहे हैं इंडेक्स फ्यूचर्स में करीब 638 करोड़ की खरीददारी, वहीं इंडेक्स ऑप्शंस में 2353 करोड़ की खरीदारी के आंकड़े दिख रहे हैं। तो महज कैश मार्केट में FIIs की बिकवाली है, वायदा बाजार में FIIs खरीदारी करके गए हैं और DIIs लगातार कर रहे हैं कैश मार्केट में खरीदारी। आइए ये सारे संकेतों के साथ अब आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ हमारे मार्केट एक्सपर्ट को जोड़ते हैं और उनसे बातचीत कर समझते हैं कि डोमेस्टिक मार्केट्स के लिए आज स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। KR चौकसी सिक्योरिटीज के हेमेन कपाड़िया आप मेरे साथ जुड़ गए हैं। हेमेन गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। 8 दिनों की बिकवाली देखने के बाद हेमेन, कल भारतीय बाजार चमके, खरीदारी का यहां पर रुख देखने को मिला, हर इंडेक्स हर पॉकेट और हर सेक्टर में एक्शन दिखा था, लेकिन इस वक्त ऑन दी फेस ऑफ इट मॉर्निंग सेशन में ग्लोबल सेंटिमेंट्स तो कमजोर दिख रहे हैं। क्या वो कमजोरी भारतीय बाजार पर आज हावी होगी या कल की तेजी जो है वो यहां से और ज्यादा चलेगी? वेरी गुड मॉर्निंग टू यू मानसी, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। थोड़ी वीकनेस हो सकती है ग्लोबल सेंटिमेंट्स को लेकर मानसी, लेकिन एक अगर आप देखेंगे फ्रांस जर्मनी ब्रिटेन नए हाई किए, मार्केट चल चुके हैं वहां पे, लेकिन अपनी मार्केट निफ्टी की बात करें मानसी तो कंटिन्यूस प्रेशर में रहा है। तो वन गेट्स द फीलिंग दैट यहाँ पे कल की जो मूवमेंट थी वो आज थोड़ी वीकनेस के बाद कंटिन्यू रहेगी, मार्केट्स ओवरसोल्ड है। वीक्स अगर आप देखेंगे मानसी तो 13 के आसपास है, मतलब 15 के नीचे है, 17300 के नीचे, मतलब 17250 के आसपास निफ्टी का सपोर्ट है, तो उसमें सपोर्ट भी आया है। बैंक निफ्टी में थोड़ी रिलेटिव स्ट्रेंथ है, आईटी में छोटा सा बाउंस आ सकता है, सीमेंट स्टॉक्स ओवरसोल्ड है, तो काफी कुछ लग रहा है कि अपनी मार्केट इंडियन मार्केट बहुत टाइम से प्रेशर में है। एक बाउंस है अभी, सस्टेनेबिलिटी पे थोड़ा क्वेश्चन मार्क जरूर रहेगा मानसी, लेकिन बाउंस है, जो बाउंस मुझे लग रहा है थोड़े दिनों के लिए अभी भी कंटिन्यू कर सकता है अगर सुबह थोड़ी वीकनेस आई तो भी। ठीक है, तो बाउंस कंटिन्यू दिख सकता है, लेकिन इस वक्त ग्लोबल सेंटिमेंट्स को बिल्कुल नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। ऐसे में हेमेन फिर क्या खरीदारी के मौके बनेंगे आज? ट्रेडिंग आइडिया स्टॉक स्पेसिफिक आज के लिए एडवाइस व्यूअर्स को क्या रहेगी? थोड़ा बाई कॉल ही रहेगा, जैसे मैंने बताया मानसी बहुत ही ओवरसोल्ड मार्केट्स है, तो दोनों बाई कॉल्स हैं और दोनों बाई कॉल्स इंट्राडे है। पहला बाई कॉल है आरती इंडस्ट्रीज पे, स्टॉक ओवरसोल्ड है, साइडवेज रेंज में है, डेली चार्ट पे मैकेनिकल इंडिकेटर सब बाई में आ चुकी है, बाई में आ चुके हैं मानसी। इंट्राडे चार्ट पे भी स्टॉक चलने के मूड में है, ऑसिलेटर्स आर सपोर्टिंग। तो आरती इंडस्ट्रीज 538 के आसपास की एंट्री, 533 का स्टॉप लॉस, 548 का टारगेट, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2। दूसरा स्टॉक है लॉजिक, ऑलमोस्ट सिमिलर ही रहेगा मानसी। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स बहुत ही बड़ी गिरावट है, 820 से लेकर 700 तक वन वे गिरा है, ओवरसोल्ड हो चुका है स्टॉक, 700 का सपोर्ट लिया है, सभी मैकेनिकल इंडिकेटर्स ने पॉजिटिव डाइवर्जेंस बताई है, मतलब स्टॉक ने लोअर बॉटम किया, इंडिकेटर ने हायर बॉटम किया है, डेली चार्ट पे बाई में आ चुके हैं क्रॉसओवर, इंटरडे चार्ट में भी हायर टॉप हायर बॉटम किया है। तो टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स मानसी 715 के आसपास की एंट्री, 709 का स्टॉप लॉस और 727 का टारगेट, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2। हेमंत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बाजार पर अपना नजरिया और ट्रेडिंग आइडिया हमें बताने के लिए। तो अब भी खरीदारी के मौके तो है ही और काफी ओवरसोल्ड हो चुका है मार्केट, तो यहाँ से आपको सेंटिमेंट्स जो हैं स्टॉक स्पेसिफिक अगर देखेंगे, एक्सपर्ट्स का ये मानना है आरती इंडस्ट्रीज जैसे स्टॉक्स पर खरीदारी कीजिए। हेमेन ये कहकर गए 548 के टारगेट्स देखेंगे, ऑलमोस्ट 2% तक की तेजी कल के सेशन में हमने देखी और साथ ही कंजम्पशन प्ले टाटा कंज्यूमर में 727 के टारगेट्स को ध्यान में रखते हुए खरीदारी का मन बनाया जा सकता है। आइए आगे बढ़ते हैं और ये सारे इक्विटी मार्केट्स के सेंटिमेंट्स जहां आप जान रहे हैं, खबरें ढेर सारी हैं।